तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी तीन पत्ती रिको ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको भी यूपीआई आईडी को चेंज करना है तो कैसे आप यूपीआई आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक तो बैंक का, दूसरा यूपीआई का, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको आपने यूपीआई आईडी ऐड कर रखा है तो आपको उसको हटा लेना है। हटाने के बाद जो है आपको यहाँ पर अपना दूसरा यूपीआई आईडी डाल लेना है। डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर सेव यूपीआई अकाउंट पर क्लिक करना है। आपका यूपीआई आईडी जो है चेंज हो जाएगा। तो आप इसी तरह से यूपीआई आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमारे वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।